Hello students, hope you all will be well. In this video session, I am going to tell you the poem of your English book reader, Dad's Name Expression. इस वीडियो सेशन में मैं आपको आपकी बच्चों इंग्लिश रीडर की बुक जिसका की नाम एक्सप्रेशन है उसकी पोयम बताने जा रहा हूँ. द पर्पज ऑफ दिस वीडियो इज ऑनली टू गिव यू पोयम. द मीनिंग एंड वर्ड मीनिंग विल बी टेल यू नेक्स्ट टाइम. इस वीडियो का पर्पज केवल आपको पोयम देना है, मीनिंग और वर्ड मीनिंग आपको नेक्स्ट टाइम बताई जाएगी. सो द पोयम नेम इज टू द पीपल ऑफ इंदू कॉलेज. पोएट नेम इज हेनरी एल डेरोजियो. पोएम का नेम है टू द पीपल ऑफ इंदू कॉलेज और इसके पोएट हैं, इसके कंपोजर हैं हेनरी एल डेरोजियो. लेट्स स्टार्ट. एक्सपेंडिंग लाइक द पेटल्स ऑफ यंग फ्लावर्स आई वॉच द जेंटल ओपनिंग ऑफ योर माइंड्स and the sweet loosening of spell that binds your intellectual energies and powers that stretch like young birds in soft summer hours their wings to try their strength oh how the winds of circumstances and freshening April showers of early knowledge and unnumbered kinds. Okay, here is the whole poem of 16 line. If you can write, you should write, otherwise आपको आठ लाइन लिखनी और याद करनी होगी अच्छे से. यहाँ पर ये टू स्टैंजा एट लाइन का, वन स्टैंजा फोर लाइन. सो लेट्स रिपीट एंड रीड वंस अगेन. एक्सपेंडिंग लाइक द पेटल्स ऑफ यंग फ्लावर्स आई वॉच द जेंटल ओपनिंग ऑफ योर माइंड्स एंड द स्वीट लूजनिंग ऑफ स्पेल दैट बाइंड्स योर इंटेलेक्चुअल इनर्जीज एंड पावर्स दैट स्ट्रेच लाइक यंग बर्ड्स इन सॉफ्ट समर आवर्स their wings to try their strength oh how the winds of circumstances and freshening April showers of early knowledge and unnumbered kinds. Okay, to chapter ka name, poem ka name, to the pupil of Hindu college, poet is ke Henry L. Derosio. Is do stanza yani ki eight line ko acche se saaf saaf aap write down and learn every student. Okay, thank you.